आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन की तैयारी पूरी तरीके से अपने चरम पर पहुंच गई है एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जाडेजा के ट्रेड की खबरें अब तक सुन ली होगी और कई लोग उस पर मेरा ओपिनियन भी जानना चाहते हैं और इस खबर की खोजबीन में लगे हुए हैं कि ये खबर कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है। तो इस मामले पर एक डिटेल ओपिनियन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसे चार खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 से पहले ट्रेड विंडो में ट्रेड करने या फिर मिनी ऑक्शन के लिए रिलीज करने के बारे में काफी शिद्दत से सोच रही है और उसके परिणाम चेन्नई सुपर किंग्स के पर्स पर क्या होंगे, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की आगे जाते हुए स्ट्रेटजी होगी एक बहुत ही खराब आईपीएल 2022 के बाद, कंप्लीट डिटेल एनालिटिकल वीडियो होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर वन प्लेयर जो कि आईपीएल की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से पहले सबसे हॉट टॉपिक बने हुए हैं इज रविंद्र जाडेजा फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स और जडेजा का रिश्ता किस करवट बैठेगा, इस पर हर हफ्ते हर महीने एक नया ट्विस्ट आता है, कोई नई रिपोर्ट निकल करके आती है। देखिए एक बात पूरी तरीके से फाइनल है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपको अलग अलग तरीके की खबरें देता हूं, लेकिन जो न्यूज जो रिपोर्ट्स निकल करके आती हैं हम लोग वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूं कि सीएसके क्या कर सकती है, कौन सी टीम जडेजा को ले सकती है, सीएसके का फायदा नुकसान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक बात पूरी तरीके से कंफर्म है कि जडेजा और सीएसके के बीच ऑल इज नॉट वेल, और अगर रिपोर्ट्स की माने जो कि काफी लंबे समय से निकल करके आ रही हैं कि जडेजा अब चेन्नई सुपर किंग्स से शायद हमें खेलते हुए ना दिखाई दे। हालांकि सीएसके अभी रिटेंशन लिस्ट बीसीसीआई को सौंपने से पहले एक बार और रविंद्र जडेजा के साथ शायद पैचअप करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ऐसे लीक्स निकल करके आ रहे हैं कि अपने पुराने खिलाड़ी यानी शार्दुल ठाकुर के बदले वो जडेजा को ट्रेड कर सकते हैं टू दिल्ली कैपिटल्स। अब इसमें दिल्ली कैपिटल्स का कितना फायदा होगा क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अक्षर पटेल हैं और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स इतनी बड़ी चूक करेगी कि वो अक्षर और शार्दुल दोनों को चेन्नई सुपर किंग्स को दे दे, ये उनके लिए बहुत बड़ा घाटा होगा और ऐसा करने से उनकी टीम का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा और कुछ खासा फायदा उनको मिलेगा नहीं। वहीं रविंद्र जडेजा अगर सीएसके में बने रहते हैं तो जाहिर है कि ये सीएसके के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा, लेकिन एक बहुत ही एवरेज आईपीएल 2022 उनका बीता था, उसके बाद उनकी कप्तानी का पूरा सागा जो भी हुआ था उसके बाद से ये पूरा मामला चलता चला आ रहा है। ऐसे में अगर रविंद्र जडेजा से बात नहीं बनती है तो चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें ट्रेड करने के बारे में देख सकती है। ऐसे में वो कौन सी टीम होगी जो सीएसके से जडेजा को ट्रेड करेगी उसको लेकर के अब बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है। सेकंड प्लेयर जिनका चेन्नई सुपर किंग्स से रिलीज किया जाना तकरीबन कंफर्म हो चुका है इस क्रिस जॉर्डन फ्रॉम इंग्लैंड। अब इंग्लैंड का ये तेज गेंदबाज इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में भी अब जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि एक समय पर लगातार डेथ बॉलिंग की जिम्मेदारी इंग्लैंड की टीम इन्हीं को देती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से 10 के इकोनॉमी रेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खा रहे हैं। आईपीएल 2022 में भी इन्होंने 4 मैच खेले थे जिसमें 10.5 की इकोनॉमी से इन्होंने मार खाई थी। एक मैच याद आता है गुजरात टाइटंस का जो सिंगल हैंडेडली राशिद खान ने क्रिस जॉर्डन को मार मार के सीएसके के मुंह से मैच निकाल लिया था। तो ऐसे प्रदर्शन के बाद अब सीएसके शायद किसी और फास्ट बॉलर की तरफ देखेगी। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में कई ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगी और चेपॉक की कंडीशंस को भी चेन्नई सुपर किंग्स को ध्यान में रखना होगा। ऐसे में क्रिस जॉर्डन का अब चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होना कंफर्म माना जा रहा है। थर्ड प्लेयर जो कि क्रिस जॉर्डन की तरह ही एक फास्ट बॉलर हैं और न्यूजीलैंड से आते हैं, उनका चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होना अब तकरीबन कंफर्म हो चुका है इस एडम मिल फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब एडम मिल ने साल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से कुछ मैच खेले थे लेकिन उसके बाद इंजरी की वजह से वो वापस चले गए थे। उनकी जगह पाथी राणा को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिप्लेसमेंट मंगाया था और हो सकता है कि दे स्टिक विद पाथी राणा फॉर द फ्यूचर एज वेल। और एडम मिल काफी ज्यादा इंजरी प्रोन है, न्यूजीलैंड की टीम में भी रेगुलर क्रिकेट वो नहीं खेलते हैं। ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है आप किसी विदेशी तेज गेंदबाज जो कि युवा हो लाइक जाय रिचर्डसन लाइक केन रिचर्डसन और इंग्लैंड के भी कई खिलाड़ी निकल करके आ रहे हैं उनकी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स देखे या फिर किसी और टीम से कोई एक गेंदबाज ट्रेड करने की कोशिश करे। लेकिन जहां तक एडम मिल का सवाल है वो चैप्टर मेरे हिसाब से अब क्लोज हो जाएगा। फोर्थ प्लेयर जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल 2023 से पहले अगर अलग होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा बाय चेन्नई सुपर किंग्स टूवर्ड्स देयर फ्यूचर और उस खिलाड़ी का नाम है अंबती रायडू। अब अंबती रायडू एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। मेरे हिसाब से टीम इंडिया से उनको और ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे। 2019 का जो वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे वहां पर अंबती रायडू को भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए था और शायद ही ऐसा कोई होगा जो अंबती रायडू से इस बारे में इत्तेफाक नहीं रख
लगता होगा, लेकिन अम्बती रायडू पिछले साल जो एक आधा इनिंग उन्होंने अच्छी खेली भी थी उसमें भी उनकी फिटनेस पर बड़े सवाल उठे थे, कंसिस्टेंट वो नहीं रहे थे, स्ट्राइक रेट भी उनका थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन अम्बती रायडू के साथ ये सारी चीजें तो थी ही, लेकिन उसके बाद बीच टूर्नामेंट में आपको याद होगा उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई बस हो गया मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। उसके बाद सीएसके के सीईओ ने कहा कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पूरा सागा तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ 6.75 करोड़ रुपीज में अम्बती रायडू को सीएसके ने खरीदा था, जो कि मेरे हिसाब से एक 36-37 ईयर ओल्ड खिलाड़ी के लिए बहुत बहुत बड़ी रकम है, अनटिल एंड अनलेस वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा फिट हो, बहुत ज्यादा एथलेटिक हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हो, और ये तीनों ही क्राइटेरिया फिट नहीं बैठते हैं अम्बती रायडू पर। अब अम्बती रायडू के साथ आपको मिलता है एक शानदार स्पिन हिटर, एक शानदार पेस हिटर जो कि आते के साथ ही काउंटर अटैक करता है। काउंटलेस ऐसे मैचेस मैंने देखे हैं जहां पर सीएसके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, तेजी से रन नहीं निकल रहे हैं, और अम्बती रायडू आते हैं एक चौका इधर, एक बॉल पे छक्का, एक स्वीप पे चौका, और सीएसके एकदम से रफ्तार पकड़ लेती है। राशिद खान को यह खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है जिससे इनकी क्वालिटी का आपको पता चलता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर अम्बती रायडू बने रहे सीएसके में तो आप उनको रिलीज करके भले ही दोबारा खरीद लो, लेकिन 6.75 करोड़ खास करके एक ऐसी टीम के लिए जो कि भविष्य की तैयारी कर रही है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस लिस्ट में मैं रॉबिन उथप्पा का भी नाम डालता, लेकिन वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। अम्बती रायडू के फ्यूचर पर भी अनसर्टेनिटी है, तो अब अम्बती रायडू और रविंद्र जडेजा अगर ये दो बड़ी रिलीज चेन्नई सुपर किंग्स कर देती है, इनको फाइनल कर देती है, तो इनके बदले वो एक अच्छा प्लेयर या तो ट्रेड करा सकते हैं, या फिर अगर वो रिलीज करते हैं तो ये पैसा वो मिनी ऑक्शन में लेकर के जा सकते हैं, जहां पर वो सैम करन या फिर मिचेल स्टार, कैमरन ग्रीन, बेन स्टोक्स या कोई भी एक्स वाई जेड प्लेयर, अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है मिनी ऑक्शन में तो उनको आराम से खरीद सकते हैं और फ्यूचर के लिए अपनी टीम की तैयारी कर सकते हैं। अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या चेन्नई सुपर किंग्स को इन खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहिए, क्या जडेजा और रायडू वाकई अब चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हुए हमें नहीं दिखाई देंगे, रविंद्र जडेजा क्या दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगे, दिल्ली कैपिटल्स का इससे क्या फायदा होगा। सीएसके के लिहाज से तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो शार्दुल ठाकुर को ले लेते हैं और जडेजा को जाने देते हैं, अगर बात नहीं बनती तो सीएसके थोड़ी सी ज्यादा फायदे में रहेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये बहुत अच्छा सौदा नहीं होगा, कंसिडरिंग उनके पास ऑलरेडी अक्षर पटेल हैं, और अगर अक्षर और शार्दुल दोनों को दिल्ली दे देती है और फिर जडेजा को लेती है तो आपके दो बड़े प्लेयर कम हो जाएंगे और ये बहुत ही घाटे का सौदा होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो आखिर दिल्ली कैपिटल्स क्या करेगी और किन खिलाड़ियों को वो रिलीज करेगी, अगली वीडियो दिल्ली कैपिटल्स पर आने वाली है, सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, क्योंकि आईपीएल 2023 अब फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।